मैजिशियन हॉक, आप सभी दोस्तों को मैजिशियन हॉक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त अभी भी आपने जो मैजिक देखा है कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखे, और वीडियो अच्छा लगे तो करें एक लाइक। दोस्त ये जो डॉट पेन है मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में इस डॉट पेन को बनाया, तो मैंने सोचा चलो यार इसका ट्रिक आपको भी बता दिया जाए ताकि आप भी कहीं से भी बिना परचेस करें एक डॉट पेन सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में बना पाए। तो चलते हैं इसकी ट्यूटोरियल की ओर। तो दोस्त मैं इससे पहले आपको सॉल्यूशन दूं तो छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी नए दोस्त इस चैनल पे आए हैं अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि ऐसे ही यूनिक मैजिक ट्रिक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा तुरंत और सबसे पहले आप देख पाएंगे, सबसे पहले आप सीख पाएंगे। तो चलते हैं इसकी ट्यूटोरियल की ओर। दोस्त वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा के बताऊं ताकि आपके समझ में आए और आप एक बार में ही परफेक्ट मैग्नेट डॉट पेन बना पाए। तो मैंने एक मार्कर ले लिया है 10 रुपये वाला, तो ये देखिए यहाँ पे एक राउंड सा एक निशान है तो मैंने यहाँ पे कट रहा है, आप उस हिसाब से कट लगाए जहाँ आपको कट लगाना चाहिए और पतला कटार से कट लगाए ताकि वो आरा टरा ना हो जाए। तो मैंने इसको कट भी लगाया है और इसको खाली भी कर दिया हूँ और बिल्कुल ये सीधा सीधा हो गया है, कोई आरा टरा नहीं हुआ है, उस हिसाब से मैंने काटा। तो मैंने यहाँ पे डॉट पेन इस्तेमाल किए, जो ये डॉट पेन इस मार्कर के अंदर में आता है, आप चाहे तो कोई दूसरा सामान भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं पर दोस्त भारी नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, उस वैसा है एक सामान इसके अंदर में डालना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसको अभी इसके अंदर में डाल रहा हूँ तो इसको कहाँ तक डालेंगे और कहाँ तक खाली रखेंगे तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए ऊपर थोड़ा बहुत जगह खाली रखना है, पूरी ऊपर में मतलब ज़्यादा खाली भी नहीं और ऊपर आना भी नहीं चाहिए, तो बिल्कुल इस हिसाब से आपको उसको भरना है। और मैंने छोटा सा एक टुकड़ा भी काट लिया है डॉट पेन का तो ताकि इस मार्कर का जो सर है इसमें भी हम भर देंगे और मैग्नेट लगाएंगे ये दोनों में। तो दोस्त ये मैग्नेट जो है आपको मोबाइल जो रिपेयर शॉप होता है वहाँ आपको मिल जाएगा। देखिए मैंने किस तरीके से मैंने थोड़ा बहुत जगह करके खाली रखा है, इस पर हम ये मैग्नेट लगाएंगे तो इसको हम थोड़ा बहुत जगह ज़्यादा खाली रखा और इस पर जो है छोटा वाला पे ये थोड़ा सा पतला है तो उस पर हम ये पतला वाला मतलब थोड़ा बहुत कम जगह खाली रखा है ताकि ये इस पर फिट बैठे। तो बिल्कुल मैग्नेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा मोबाइल शॉप से, आप पुराना स्पीकर से खुल के निकल लेना। और यहाँ पे मैं ये वाला मटेरियल यहाँ पे डाल रहा हूँ क्योंकि ये जितना सूखता है उतना टाइट होता है, तो यही मेरे लिए बेहतर है इस आइटम पे। तो दोस्त इसको हमने अभी लगा लिया है, अभी हम लगाएंगे इस पर मैग्नेट। तो दोस्त ये मैग्नेट लग चुका है, आप देख सकते हैं कि ये सूख भी चुका है और पूरी तरीके से ये परफेक्ट बैठ चुका है, ये आरा टरा बिल्कुल नहीं हो रहा है और बहुत ही पावरफुल भी है, देख लिया। तो अभी हम इसको अगर हम काट पाट या में चलाएंगे, पत्ता वत्ता में चलाएंगे तो ये आसानी से चल जाएगा, पर नोटों पे कैसे चलाएंगे? जी हाँ दोस्त, नोटों पे कैसे चलाएंगे? तो नोटों पे चलाने के लिए आपके पास पैसा तो जरूरी है, नोट जरूर है, 100 रुपये 200 रुपये ऐसा आप लेना है और आपको इसको अंदर डालना है और इसको बाहर चिपका देना है। तो ये बाहर ये तो चिपकने की कोशिश करे, सीधा होने की कोशिश करे, इसको तो जगह नहीं मिल रहा है, नोट इसको जगह नहीं दे रहा है, जैसे जगह मिलता है ये अपना आप सीधा हो जाता है। तो जैसे सीधा हो जाता है तो लोगों को लगता है हाँ यार इसको आर पार कर दिया, बिल्कुल अमेजिंग ट्रिक है, बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसको कहीं भी कैरी करके भी जेब में ले जा सकते हैं, मज़ा आपको मतलब देख किसी को भी दिखा के मज़ा ले सकते हैं इसका। तो इसको ऑडियंस अगर पीछे है तो बिल्कुल ऐसे लेना है, अगर सामने है तो आपकी तरफ लेना है, ऐसे ये ऊपर नीचे भी होता है, बस आसानी से जैसे आप दबाएंगे तो नीचे आ जाता है और तालियों की।